Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Hornbill Festival. So, जानेंगे Hornbill Festival के बारे में. Naga celebrate this festival to revive, protect, sustain and promote the richness of the Naga heritage and tradition. जो नागाज है वो सेलिब्रेट करते इस फेस्टिवल को रिवाइव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए और प्रमोट करने के लिए जो रिचनेस है नागा के हेरिटेज और ट्रेडिशन का, इसी को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं. हॉर्नबिल फेस्टिवल को ये कौन सेलिब्रेट करते थे? नागा. ये इम्पोर्टेंट है. दिस फेस्टिवल पे ट्रिब्यूट टू हॉर्नबिल द मोस्ट एडमायर एंड रिवर्ड बर्ड फॉर द नागाज फॉर इज क्वालिटी ऑफ अलर्टनेस एंड ग्रैंडियर. ये जो फेस्टिवल है ये ट्रिब्यूट पे किया जाने के लिए किया जाता है हॉर्नबिल को, जो कि बहुत ज्यादा एडमायर और रिवर्ड बर्ड है नागा के लिए इसके क्वालिटीज जो है अलर्टनेस और ग्रैंडियर को देखते हुए. इट इज ऑर्गेनाइज बाय स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो सपोर्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट. इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा और सपोर्ट किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा. हॉर्नबिल फेस्टिवल वॉज एस्टेब्लिश ऑन 1 दिसंबर 1963 एंड वॉज इनॉग्रेटेड बाई दी देन प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन. ये जो फेस्टिवल था इसको इस्टेब्लिश किया गया था पहली बार 1 दिसंबर 1963 पे और इसको इनॉग्रेट किया गया था जो उस समय के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन उनके द्वारा. ये न्यूज में क्यों आया है? तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ऑनगोइंग हॉर्न फेस्टिवल को प्रोटेस्ट के कारण कैंसिल कर दिया. जो 14 सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेज जो थे किल हो गए थे इस कारण. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असम राइफल डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो हम जानेंगे जो असम राइफल का डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है इसके बारे में. फॉलोइंग द रिसेंट इंसिडेंट इन नागालैंड असम राइफल विच हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एरिया वेयर द इंसिडेंट ऑकर्ड हैज इश्यूड अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग रिग्रेट ओवर द लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ. इट ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द इंडियन आर्मी हैज इंस्टीट्यूटेड एन इंक्वायरी इन टू द इंसिडेंट. जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ नागालैंड में असम राइफल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनका एरिया का इस इंसिडेंट का जहां पे ये हुआ है उसने इश्यू किया है कि स्टेटमेंट को और एक्सप्रेस किया है अपने चिंता को जो लॉस हुआ इनोसेंट लाइफ इसको लेके. उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो इंडियन आर्मी है उन्होंने इंक्वायरी के लिए गठित कर दिया है कमिटी को. वो इंक्वायर करेंगे कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ है. व्हाट इज असम राइफल? हम जानेंगे असम राइफल के बारे में जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे असम राइफल इनका कंट्रोल स्ट्रक्चर इसके बारे में. असम राइफल इज वन ऑफ द 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. द अदर फोर्सेज बीइंग द सेंट्रल रिजर्व फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड सर्च सीमा बल. जो असम राइफल है ये वन ऑफ द 6 सेंट्रल आर्म फोर्सेज में से एक है जो कि CAPF के अंतर्गत आता है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है. जो अदर फोर्सेस है वो आपके कुछ इस प्रकार है. तो सेंट्रल रिजर्व फोर्स CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF और सहज सीमा बल SSB. इट इज टास्क विद द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द नॉर्थ ईस्ट अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी एंड ऑल्सो गार्ड द इंडो म्यांमार बॉर्डर इन द रीजन. इसका काम है मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को नॉर्थ ईस्ट में इंडियन आर्मी के साथ मिलकर, और ये गार्ड करता है इंडो म्यांमार बॉर्डर को भी इस रीजन में. ये यूनिक क्यों है? इट इज द ओनली पैरामिलिट्री फोर्सेज विथ अ ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर. विल द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द फोर्स इज विद द MHA. इट ऑपरेशनल कंट्रोल विद द इंडियन आर्मी विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ये एक लौटा पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है. इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है फोर्स का वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, जबकि इसका ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी करते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं. दिस मीन्स दैट सैलरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई द MHA, बट द डिप्लॉयमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर एंड डेपुटेशन ऑफ द पर्सनल इज डिसाइडेड बाई द आर्मी. इसका मतलब है कि जो सैलरी इंफ्रास्ट्रक्चर है फोर्स का इसको दिया जाएगा MHA के द्वारा, लेकिन जो इसका डिप्लॉयमेंट है, पोस्टिंग है, ट्रांसफर है, डिप्यूटेशन है पर्सनल का, वो डिसाइड किया जाएगा आर्मी के द्वारा. ऑल इज सीनियर रैंक फ्रॉम DG टू IG एंड सेक्टर हेडक्वार्टर आर मैन्ड बाय ऑफिसर्स फ्रॉम द आर्मी. द फोर्स इज कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल फ्रॉम इंडियन आर्मी. जो इसके सारे सीनियर रैंक है DG से लेकर IG तक का, और जो इसका सेक्टर का हेडक्वार्टर उसको मैन्ड किया जाता है जो ऑफिसर है आर्मी के उनके द्वारा. जो ये फोर्स है उसको कमांड किया जाता है लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा इंडियन आर्मी के. इश्यू क्या है? The force is the only central paramilitary forces in real sense as its operational duty and regimentation are on the line of Indian Army. However, being a central armed police force under MHA, its recruitment, perk, promotion of its personal and retirement policy are governed according to the rules framed by MHA for CAPF. ये जो फोर्स है ये इकलौता सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है रियल सेंस में, जिसका ऑपरेशनल ड्यूटी और रेजिमेंटेशन जो है वो आर्मी के लाइन पे है, जबकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जो कि MHA के अंतर्गत आते हैं इसके रिक्रूटमेंट, पर्क, प्रमोशन और पर्सनल रिटायरमेंट पॉलिसी जो है इसको गवर्न किया जाता है, जो रूल फ्रेम किया जाता है MHA के द्वारा CAPF के लिए. ये समझ लीजिए एक्सेप्शन है.
This has created two sets of demand from both within the Assam Rifle and by Ministry of Defence and MNHA for singular control over the force by one ministry. इसने क्रिएट किया है टू सेट ऑफ डिमांड को दोनों से ही असम राइफल जो कि और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एमएसएक है कि एक सिंगुलर कंट्रोल होना चाहिए फोर्स के ऊपर एक मिनिस्ट्री का. व्हाई देयर इज अ डिमांड फॉर असम राइफल टू प्लेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्यों डिमांड किया जा रहा है कि असम राइफल को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत रखना चाहिए. और लास्ट सेक्शन विद इन द फोर्स वॉन्ट टू बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज दैट वुड मीन्स बेटर पर्क्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट विच आर फार हायर कंपेयर टू सीएपीएफ अंडर एमएचए. However, army personnel also retire early at 35, while the retirement age is CAPF is 60 years. जो लास्ट सेक्शन है फोर्स के अंतर्गत वो चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एमओटी के पास, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, क्योंकि इसका मतलब ये होगा अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करेंगे तो बेटर पर्क और रिटायरमेंट बेनिफिट उनको मिलेगा कंपेयर टू सीएपीएफ से. जबकि आर्मी पर्सनल जो है रिटायर कर जाते हैं अर्ली 35 के एज में, जबकि रिटायरमेंट एज सीएपीएफ का 60 ईयर्स है. ऑल्सो सीएपीएफ ऑफिसर हैव रिसेंटली बीन ग्रांटेड नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन टू एटलीस्ट फाइनेंशियली एड्रेस द इश्यू ऑफ स्टैग्नेशन इन देयर करियर ड्यू टू लैक ऑफ एवेन्यू फॉर प्रमोशन. बट आर्मी पर्सनल ऑल्सो गेट वन रैंक वन पेंशन विच इज नॉट अवेलेबल टू सीएपीएफ. जो सीएपीएफ ऑफिसर है उनको रिसेंटली ग्रांट किया गया है नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन को, ताकि एटलीस्ट फाइनेंशियली वो एड्रेस कर पाए जो इश्यू है स्टैग्नेशन का उनके करियर पे, लैक ऑफ एवेन्यू के कारण प्रमोशन पे. लेकिन आर्मी पर्सनल जो है उनको भी वन रैंक वन पेंशन जो है दिया गया है जो कि अवेलेबल नहीं है सीएपीएफ को. वाई डू बोथ एमएचए एंड एमओडी वांट फुल कंट्रोल, क्यों दोनों ही एमएचए और एमओडी दोनों ही चाहते हैं फुल कंट्रोल इसके ऊपर. एमएचए का आर्गुमेंट क्या है उसको पहले देखते हैं. तो एमएचए हैज आर्ग्यू दैट ऑल द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस आर अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री एंड सो असम राइफल्स कमिंग अंडर द एमएचए विल कीप बॉर्डर गार्डिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच. एमएचए का कहना है कि जो सारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है उनका ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसी कारण असम राइफल जो है एमएचए के अंतर्गत आना चाहिए क्योंकि बॉर्डर गार्डिंग जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच है. MHA sources also say that Assam Rifle continue to function on the pattern set during the 1960 and the ministry would want to make guarding of the Indo-Myanmar border on the line of other CAPF. MHA के sources का कहना है कि जो Assam Rifle है वो continue function करता है जो pattern set किया गया था 1960 के दौरान उसी पे, और ministry चाहते हैं guard करना Indo-Myanmar border को उसी तरीके से जैसे बाकी जगह किया जा रहा है CAPF के द्वारा. आर्मी का आर्गुमेंट क्या है इसको लेके, आर्मी इज ऑफ द ओपिनियन दैट असम राइफल हैज वर्क वेल इन कोऑर्डिनेशन विद आर्मी एंड फ्री अप द आर्म फोर्सेस फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फोकस ऑन इन कोर स्ट्रेंथ. आर्मी का ओपिनियन ये है कि असम राइफल जो है वो काफी कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं आर्मी के साथ और फ्री अप कर देते हैं आर्म फोर्सेज को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ताकि वो फोकस कर सके अपने कोर स्ट्रेंथ के ऊपर. इट हैज ऑल्सो आर्ग्यू दैट असम राइफल वॉज ऑलवेज अ मिलिट्री फोर्स एंड नॉट अ पुलिस फोर्स एंड हैज बीन ब्यूल्ट लाइक दैट. It has argued that giving the control of force to MHA or merging it with any other CAPF will confuse the force and jeopardize national security. और आर्मी ने यह भी आर्ग्यू दिया है कि जो असम राइफल है वो हमेशा से मिलिट्री फोर्स के जैसे उनको तैयार किया गया है ना कि पुलिस फोर्स के जैसे. और उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया है कि जो कंट्रोल है अगर हम इसका एमएचए को देते हैं वह मर्ज करते हैं किसी और सीएपीएफ के साथ, ये कंफ्यूज करेगा फोर्स को जिसके कारण जियोपॉलिटिक्स हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी भी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. तो हम जानेंगे जो लॉ कमीशन है भारत का इसके बारे में. द गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अंडर कंसिडरेशन. गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को जो अपॉइंटमेंट है चेयरपर्सन का और मेंबर का 22nd लॉ कमीशन का वो कंसिडरेशन पे, हम समझेंगे इश्यू को. 22nd लॉ कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड बाई द गवर्नमेंट ऑन February 21, 2020. However, no progress had been made in the appointment till date, and a short affidavit filed by the law ministry in the court does not explain the reason for the delay. तो 22nd लॉ कमीशन को कथित किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा February 21, 2020 पे, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है अपॉइंटमेंट को लेके. और जो शॉर्ट एफिडेविट फाइल किया गया लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा कोर्ट में उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है इसके पीछे का रीजन को. द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ड्यूरिंग द हियरिंग द गवर्नमेंट इन्वोक्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विच से दैट वन आर्म ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट इनक्रोच इनटू दैट ऑफ अनदर. हियरिंग के दौरान गवर्नमेंट ने इन्वोक किया है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को, उसमें उन्होंने कहा है कि जो वन आर्म है गवर्नेंस का वो नहीं इंक्रोच करे दूसरे को. लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, हम जानेंगे जो लॉ कमीशन है भारत के इसके बारे में. इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टैब्लिश बाय एन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया एक ऑर्डर के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. ऑरिजिनली फॉर्म्ड इन 1955, द कमीशन इज रिकंस्टिट्यूटेड एवरी थ्री ईयर्स एंड सो फार 277 रिपोर्ट हैव बीन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट. ऑरिजिनली इसको बनाया गया था 1955 में. ये जो कमीशन है इसको रिकंस्टिट्यूट किया जाता है हर एक 3 साल में, और इसका जो 277 रिपोर्ट है उसको सबमिट किया गया गवर्नमेंट के पास. द लास्ट लॉ कमीशन अंडर जस्टिस बी एस चौहान
had submitted report and working paper on key issues such as simultaneous election to the Lok Sabha and Assembly and a uniform civil code. तो लास्ट कमीशन था जस्टिस बी एच चौहान जो कि रिटायर हो चुके हैं उनके नेतृत्व में, उन्होंने सबमिट किया था अपने रिपोर्ट को, वर्किंग पेपर को की इश्यूज के ऊपर, जैसे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर लोकसभा का और असेंबली का और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी। कंपोजिशन इसका कैसे होता है लॉ कमीशन का, अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ फुल टाइम चेयरपर्सन द कमीशन विल हैव फोर फुल टाइम मेंबर इंक्लूडिंग अ मेंबर सेक्रेटरी, यानी फुल टाइम चेयरपर्सन के अलावा कमीशन में चार फुल टाइम मेंबर होते हैं जिसमें मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं। लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी इन द लॉ मिनिस्ट्री विल बी द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द कमीशन, और जो लॉ और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी होते हैं लॉ मिनिस्ट्री के वो एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं इस कमीशन के। इट विल ऑल्सो हैव नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर, और इसमें मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर नहीं होने चाहिए। जो रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के वो हेड होते हैं इस कमीशन के। रोल और फंक्शन इनका क्या है, द लॉ कमीशन सेल ऑन अ रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और सुओ मोटो अंडरटेक रिसर्च इन लॉ एंड रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ इन इंडिया फॉर मेकिंग रिफॉर्म्स एंड इनेक्टिंग न्यू लेजिस्लेशन। जो लॉ कमीशन है वो रेफरेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के व खुद से सुओ मोटो लेके रिसर्च कर सकते हैं लॉ के ऊपर और रिव्यू कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लॉ को भारत पे, ताकि रिफॉर्म लाया जा सके व इनेक्ट किया जा सके न्यू लेजिस्लेशन को। वो जो है वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिफॉर्म लाते हैं जस्टिस डिलीवरी के ऊपर, और एलिमिनेट करते हैं जो डिले हो रहा है प्रोसीड्यूर पे, स्पीडी डिस्पोज करते हैं केस को, रिड्यूस करते हैं कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन को एंड सो ऑन। जो रिफॉर्म के भी आवश्यकता है इसमें, तो लॉ कमीशन में क्या करना है कि स्टैट्यूट की आवश्यकता है, ताकि एक डिफिनिट टर्म हो अपॉइंटमेंट को लेकर, इसके फंक्शन को लेकर और पावर को लेकर। वॉट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है क्या जिसका उपयोग किया गया था, हम लोगों ने अभी तुरंत डिस्कस किया था। तो इट रिफर्स टू द मॉडल ऑफ गवर्नेंस वेयर द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन वन बॉडी बट स्टिल डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ब्रांचेस, ये रिफर करता है मॉडल ऑफ गवर्नेंस को, जहां पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता एक बॉडी पे, बल्कि ये डिवाइडेड होता है अलग अलग ब्रांचेस में। इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बारे में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन फैसिलिटेटिंग सेपरेशन ऑफ पावर आर एज फॉलो, और जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि मदद करता है सेपरेशन में ऑफ पावर में वो कुछ इस प्रकार है। तो ये सारे आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है प्री प्लस मीन्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्टिकल 50 ये बताता है कि स्टेप जो है वो सेपरेट करता है जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से, ये जो है पर्पस है ताकि इंश्योर किया जा सके इंडिपेंडेंस को जुडिशियरी का। आर्टिकल 122 और 212 जो है ये वैलिडिटी को बताता है प्रोसीडिंग का पार्लियामेंट में, और लेजिस्लेचर जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट को, और जो लेजिस्लेचर है वो एंजॉय करता है कुछ प्रिविलेज को स्पीच को लेकर, और कुछ भी अगर वो पार्लियामेंट में कहते हैं तो वो उनके खिलाफ नहीं यूज किया जाएगा। जुडिशियल कंडक्ट ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 121 एंड 211 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आर्टिकल 211 है और 121 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अनुसार जो जुडिशियल कंडक्ट व जज या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के उनके बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट में व स्टेट लेजिस्लेचर पे। आर्टिकल 53 एंड 154 रेस्पेक्टिवली प्रोवाइड दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट शैल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड दे एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लिबर्टी, और जो आर्टिकल 53 है और 152 है रेस्पेक्टिवली, इसमें क्या है जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का आर्टिकल 53 के अंतर्गत और स्टेट का 154 के अंतर्गत वो दिया गया है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, ताकि वो एंजॉय कर सके इम्यूनिटी को सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से। आर्टिकल 361 द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल नॉट बी एंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है वो एंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में अगर वो यूज करते हैं या परफॉर्म करते हैं अपने पावर का ड्यूटी का अपने ऑफिस में रहते हुए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नोट फॉर केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, तो जो नोट मिला है केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर हम इसको जानेंगे। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया जो फंडिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का, जिसका कॉस्ट रूपीज 44,605 करोड़ पड़ा है 2020-21 के प्राइस लेवल से। सेंटर जो है वो फंड करेंगे रूपीज 39,317 करोड़ को इस प्रोजेक्ट के लिए, और 36,290 करोड़ जो ग्रांट था वो है, 3,027 करोड़ जो है वो लोन रहेगा। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जान ले, तो द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम केन रिवर टू बेटवा रिवर थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ धौदान डैम एंड ए कैनाल लिंकिंग द टू रिवर द लोअर और प्रोजेक्ट कोठा बैरेज एंड द बिना कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वॉल्व कर रहा है कि इसमें ट्रांसफर किया जाएगा जो वाटर है केन रिवर से बेटवा रिवर पे, कंस्ट्रक्ट करके धौदान डैम को और एक कैनाल को जो कि लिंक करेगा दो रिवर को, जो लोअर और प्रोजेक्ट है कोठा बैरेज और बिना कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से।
सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट का? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सिलेक्टेड है, इरिगेट करेगा 10.62 लाख हेक्टर को हर एक साल, प्रोवाइड करेगा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को 62 लाख पीपल को, और जनरेट करेगा 103 मेगावाट हाइड्रो पावर को और 27 मेगावाट सोलर पावर को। ये जो प्रोजेक्ट है इसका इमेंस बेनिफिट मिलेगा वाटर स्टार बुंदेलखंड रीजन को, जो कि फैला हुआ है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एरिया पे। ये प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द बैकवर्ड बुंदेलखंड रीजन ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और ये जो प्रोजेक्ट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यह बूस्ट करेगा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बैकवर्ड में बुंदेलखंड रीजन के, और साथ साथ इंक्रीज करेगा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को। इट वुड ऑल्सो हेल्प इन अरेस्टिंग डिस्ट्रेस माइग्रेशन फ्रॉम दिस रीजन, और ये मदद करेगा अरेस्ट करने में जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है इस रीजन से उसको भी कम करने में हेल्प करेगा। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चिंता भी है, वो क्या है? तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल है इस प्रोजेक्ट को लेकर। ये जो प्रोजेक्ट है वो पार्शियली सबमर्ज करेगा पन्ना टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का, जो कि अफेक्ट करेगा हैबिटेट को वल्चर और जैकाल्स का। ईयर ऑफ प्रोटेस्ट के बाद ये फाइनली क्लियर किया गया था एपेक्स वाइल्ड लाइफ रेगुलेटर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा 2016 में। बेनिफिट क्या होगा इंटरलिंकिंग का? तो ये इनहेंस करेगा वाटर और फूड सिक्योरिटी को, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा वाटर का, बूस्ट होगा एग्रीकल्चर को, डिजास्टर को मिटिगेट किया जा सकेगा और बूस्ट किया जा सकेगा ट्रांसपोर्टेशन को, जो कि फैक्ट है। इस रिवर को लेकर हम जान ले तो केन बेटवा रिवर ओरिजिनेट इन एमपी एंड आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। ये दोनों ही रिवर जो है केन बेटवा ये ओरिजिनेट करते हैं मध्य प्रदेश में और ये ट्रिब्यूटरीज है यमुना के। केन मीट विथ यमुना इन बांडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड विथ बेटवा इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। जो केन है वो मीट करता है यमुना में बांडा डिस्ट्रिक्ट एंड यूपी पे, और बेटवा से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी पे। राजघाट परीचा एंड मटाली डैम्स आर ओवर बेटवा रिवर। जो राजघाट परीचा और मटाली डैम है ये आपका बेटवा रिवर के ऊपर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। केन रिवर पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व, और केन रिवर जो है ये आपका पास करेगा पन्ना टाइगर रिजर्व से। ये आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट की बात कही गई है लिंक करने के कैनाल की, तो ये की एस्पेक्ट है 18,000 करोड़ का केन बेटवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ACE2 प्रोटीन। तो हम जानेंगे ACE2 प्रोटीन के बारे में। ACE2 इज एन एंजाइम मॉलिक्यूल दैट कनेक्ट द इनसाइड ऑफ आवर सेल टू आउटसाइड वाया द सेल मेम्ब्रेन। जो ACE2 है ये एक एंजाइम है मॉलिक्यूल का, जो कि कनेक्ट करता है इनसाइड हमारे सेल को आउटसाइड से एक सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से। इन नॉर्मल फिजियोलॉजी अनदर एंजाइम कॉल्ड ACE अल्टर इज ए केमिकल एंजियोस्टेंसिन 1 एंड कन्वर्ट इट इन टू एंजियोस्टेंसिन 2 विच कॉल्ड ब्लड वेसल टू कॉन्स्ट्रिक्ट। द टाइटनिंग ऑफ द ब्लड वेसल लीड टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। नॉर्मल फिजियोलॉजी में अगर हम बात करें तो अनदर एंजाइम है जिसको हम ACE अल्टर कहते हैं, जो कि एक केमिकल है एंजियोस्टेंसिन 1 का, ये कन्वर्ट करता है एंजियोस्टेंसिन 2 पे, जिसके कारण ब्लड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, जो टाइटनिंग होता है ब्लड वेसल का, इस कारण इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर का। देन वेन देन ACE2 मॉलिक्यूल कम्स इन टू काउंटरेक्ट द इफेक्ट ऑफ ACE काउजिंग ब्लड वेसल टू डायलेट एंड लोअरिंग ब्लड प्रेशर। और उसी के बाद ACE2 मॉलिक्यूल आता है अपने काम पे, ये काउंटरेक्ट करता है इफेक्ट को ACE का, जिसके कारण ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब उसको ये डायलेट करता है और लोअर करता है ब्लड प्रेशर को। द स्पाइक दैट मेक अप द क्राउन ऑफ कोरोना वायरस बाइंड टू ACE2 एंजाइम टू गेट इन टू आवर सेल। और जो स्पाइक है जो कि क्राउन पे है कोरोना वायरस के, ये बाइंड करता है ACE2 एंजाइम के साथ ही हमारे सेल पे इंटर होने के लिए। ये आप देख सकते हैं SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन जो कि बाइंड कर रहा है ACE2 मॉलिक्यूल से, और ये वायरल एंट्री हो रहा है रेप्लिकेशन के दौरान और ACE2 नॉर्मल फंक्शन को ये ब्लॉक कर दे रहा है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।